नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत के बाद भारत ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। बता दें कि ट्रेंट ब्रिज में पहला मैच ड्रॉ होने के बाद भारत ने दूसरा टेस्ट 151 रनों से जीता था। अब सीरीज का तीसरा टेस्ट 25 अगस्त यानी कल से लीड्स के मैदान में खेला जाएगा। विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम ये मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, लीड्स की बात करें तो यहां भारत और इंग्लैंड के बीच अभी तक कुल 6 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से इंग्लैंड ने 3 और भारत ने 2 मैच जीते हैं, जबकि 1 टेस्ट ड्रॉ हुआ है। लीड्स के मैदान पर खेले गए पिछले दोनों टेस्ट में भारत ने जीता है। यहां 2002 में पिछला मैच टीम इंडिया ने पारी और 46 रनों से जीता था, जिसमें अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की स्पिन जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 विकेट साझा किए थे। दोस्तों, 2002 के उस रिकॉर्ड को ध्यान में रखे हुए तो भारतीय टीम इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा के साथ आर अश्विन को खिलाने पर विचार कर सकती है। बता दें कि अश्विन को अभी तक मौजूदा सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला है। अगर अश्विन खेलते हैं तो उनको तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की जगह आजमाया जा सकता है। दोस्तों, दूसरे बदलाव की बात करें तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे चेतेश्वर पुजारा की जगह सूर्य कुमार यादव को मौका मिल सकता है। सूर्य कुमार और पृथ्वी शॉ तीसरे टेस्ट से चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। बता दें कि पुजारा इस सीरीज में 4 रन, 12 रन, 9 रन और 45 रन ही बना पाया है। इतना ही नहीं, पिछली कई पारियों में उनके बल्ले से यादगार पारी देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, तीसरे टेस्ट के लिए इस प्रकार हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली कप्तान, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। दोस्तों, आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगी, आपका विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।